सब लोग अच्छे और अच्छे बने रहना। तो गैस इससे पहले मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया कि टेनिस बॉल से छक्के कैसे मारना है, तो उसी में बहुत सारे कमेंट्स ये आए हैं कि मैं टेनिस बॉल से बॉल कैसे डालें वो बताओ, फास्ट बॉलिंग कैसे डालें वो बताओ, क्योंकि बहुत लोग इंडिया में क्या हर जगह ही बहुत ज़्यादा लोग टेनिस बॉल से प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है, मज़ा बहुत आता है टेनिस बॉल से खेलने में। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली आप इसको यूज़ नहीं करते, जैसे प्रोफेशनली लोग खेलते हैं लेदर बॉल सीजन बॉल को यूज़ करते हैं, बट इसका भी बहुत सारा यूज़ है, यूज़फुल है ये भी, बट मैं इसको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसका यूज़ है आपके लिए। बट आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि टेनिस बॉल से आपको बॉल कैसे डालना है, पूरी यूज़फुल टिप होने वाली है कि आपका बहुत ज़्यादा दिमाग बढ़ जाएगा कि आपको बॉल कैसे डालनी है, ठीक है, अच्छे से आप प्लेयर आउट कर पाओगे। तो वीडियो में बने रहना, एंड तक जरूर देखना, स्टार्ट करते हैं, आओ। सो गाइस कोई सी बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, चाहे लेदर बॉल हो, कोई सी बॉल हो, अगर आपको फास्ट बॉलिंग डालनी है तो आपका रनअप बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो गाइस आपका रनअप अच्छा होगा, स्टेबिलिटी होगी, तो आपके जो पेस है वो अच्छा खासा निकलेगा, जितनी आपकी एबिलिटी है उतना पेस निकलेगा। बहुत लोग क्या होते हैं, उनकी एबिलिटी तो काफ़ी होती है बट उनका रनअप अच्छा नहीं होता है तो इसलिए पेस नहीं निकलता है, तो इसलिए हमेशा आपका रनअप अच्छा होना चाहिए। आपका जो बॉडी वेट है थोड़ा आगे की तरफ रखना, हमेशा थोड़ा झुक के रहना जब आप रनअप ले रहे हो, ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कदम अपने हिसाब से भागी, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबे लंबे कदम लेने हैं, अपने हिसाब से कदम लेने हैं जितना आप कंफर्टेबल हो। लाइक ऐसे अगर बाई चांस बहुत लोग छोटे छोटे कदम लेते हैं, ठीक है, और बहुत लोग बड़े बड़े कदम लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एंड में जंप लेना है, जंप क्यों नहीं लेना है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बाउंस बहुत होता है और जब हम जंप लेते हैं वो बाउंस के लिए लेते थे, बट इसमें ऑलरेडी बाउंस होता है। सो गाइस अभी हम लोगों ने बात करी है पेस की, बट मैं आपको बता दूं चाहे कोई सा भी मैच हो, चाहे लेदर बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल से मैच हो, आप जरूरी पता है ज्यादातर क्या होते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए, वेरिएशन डालोगे ना तो बहुत ज्यादा सही होगा। और टेनिस बॉल से क्यों ज्यादा सही रहेगा मैं आपको बताता हूँ, वो इससे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो टेनिस जो बैट्समैन होते हैं ना वो मोस्टली मैंने देखा है कि ज्यादा लपेड़ू होते हैं, लाइक बस आएंगे और खेलने लग जाएंगे, उड़ाने लग जाएंगे। तो अगर आप पेस दोगे बैट्समैन को तो वो अगर लग गया बाई चांस तो छक्का ही जाएगा, इसलिए ज्यादातर आपको क्या ट्राई करना है, वेरिएशन ट्राई करोगे तो जो बैट्समैन है उसे बहुत ज्यादा चांसेस है आउट होने के। और गाइस जब से मैंने खेलना स्टार्ट करा है धूप और गर्मी की वजह से तो बिल्कुल ही हालत खराब हो रही है, रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग। आई नो कि आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि सबको अपने बाल हेल्दी शाइनी चाहिए ताकि वो लोग अच्छे दिखे, बट खेलना भी तो यार पैशन है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो मैं रिकमेंड करता हूं और आप लोग भी यूज कर सकते हो हेयर प्रॉब्लम से बचने के लिए, और वो है उस्तरा हेयर ग्रोथ फर्टिलाइजर। हेयर ग्रोथ फर्टिलाइजर आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, आपके जो हेयर फॉल होते हैं और आपका जो हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत सही सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें मिला हुआ है 7 विटामिन्स, 3 मिनरल्स, ओमेगा 3, कैरेटीन जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपके बालों को हेल्दी शाइनिंग और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। और इसको आप खेलते टाइम भी लगा सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली और स्टिकी नहीं है। तो किस बात की देरी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, जाओ वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट को खरीदो और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना गौतम 10। बट गाइस एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपके क्रिकेट को इंप्रूव होने में टाइम लगता है वैसे इसका इफेक्ट दिखाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बेस्ट यूज के लिए आपको इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा ताकि इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाए। तो सबसे इजी वेरिएशन जो होता है वो है ऑफ कटर, बट ऑफ कटर होता है कि जब कोई लपेड़ू अगर खेल रहा होता है ना, अगर लग जाए टेनिस बॉल से तो छक्के चले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप लोग ऑफ कटर राइट ही हो, राइट हैंड से बॉल डालते हो, लेफ्टर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो आप लोग ऑफ कटर का यूज कर सकते हो, बहुत सही रहेगा। बट अगर आपके सामने राइटी बैट्समैन है तो आपके लिए ज्यादातर क्या प्रिफर करना पड़ेगा, लेग कटर। ज्यादा कुछ नहीं करना होता कटर के लिए, आप लोग सीधा आइए, एक्शन चेंज मत करिए अपना, ठीक है, एक्शन लीजिए। ऑफ कटर के लिए इस पोजिशन में रहना है, ठीक है, ऐसे करना है बॉल को, और लेग कटर के लिए अपने सर के, जब सर का ऊपर आ जाएगा ना हाथ तो उसे ड्रॉप कर देना है पीछे से, लाइक ऐसे करके डिलीवरी होगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको वेरिएशन के लिए। तो गाइस अब जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, जो बैट्समैन होता है, ठीक है, हमेशा बैट्समैन को एंड तक देखो, जो बॉलर होता है ना, जैसे बैट्समैन का टाइम होता है वो बॉलर के हाथ को एंड टाइम तक देखता है, ऐसे बॉलर का भी है, बैट्समैन को जरूर देखे, क्योंकि जब बैट्समैन की हलचल से पता चलता है, लाइक वो थोड़ा सफल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, उससे पता चल जाता है कि बैट्समैन करने क्या वाला है, सिक्स मारने वाला है या फिर डिफेंस करने वाला है, कुछ भी, हमेशा बैट्समैन को देखो एंड तक, उसके बाद डिलीवर करो, ये जरूर ध्यान में रखना। तो गाइस अब वीडियो एंड करने का समय आ चुका है, एंड मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एंड हो जाएगा, दूसरी वीडियो में फिर से आऊंगा। आप लोग एक कमेंट चूज करके कि आप लोग कमेंट क्या करते हो उसी टॉपिक को मैं इस्तेमाल करूंगा आपके लिए, ठीक है, तो कमेंट करना जरूर ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियोस बनाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के वीडियोस बनाना, और जो कमेंट करते हो ना भाई दिल खुश हो जाता है। और थोड़ा खुश करने के लिए लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखना, अगर आप लोग लेदर बॉल से नहीं खेलते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेनिस बॉल से भी मज़ा बहुत आता है, इससे भी कंटिन्यू रखो, और बस और कुछ बोलने पे नहीं आ रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।